उठाओ, सात बज गई। यस गाइस, मैं उठाओ उनको भी उठा उठा, दे वो उठेंगे क्या? आपको उठाना तो पड़ेगा जाके। फिर मैं भी सो जाता चलो यार, अरे चलो भैया यार, आज से हूँ। जल्दी उठेंगे हम अपन। उठ गया, मैं जल्दी उठ गया, और कितना जल्दी खड़े हो, खड़े हो उठाएगा जाओ फटाफट, उठा के आओ दीदी को यार। वो है, वो मारेगी यार भाई। मैं चलो चलो उठा के आया जाओ, उठ जाओ। आपने बोला था 7 बजे उठूंगी आज से, मैंने 8 बोला था। कोई बात नहीं, उठ जाओ। वो उठ गए, क्या कर रहा है? बस नहाने जा रहे हैं। सही बता, हाँ देखा आ जाओ, ये देखो। क्या ये देखने ही मुझे कि मैं उठा नहीं उठा? ठीक है ना, नहाने जा रहे हैं। नहाने जा हाँ रहे हैं, वेरी गुड। देख लो, उठ गए ना 7 बजे, आपको बोला था हमने। और अगर मैं भी उल्टा पड़ा हुआ दिख जाता ना इसको, ये वापस जाके पड़ जाती खुद ही। मैं तो 8 बजे उठूंगी, मैंने पहले बोला था। वेरी गुड, चलो नहा ले। ओ बेदर्दिया, क्यों वो देखो पड़ गए क्यों पड़ रहा है तो यार, बेदर्दिया। सॉरी है इसकी तो यार। दोस्तों बताओ, इतनी सी भी शर्म नहीं है इसको, इतनी सी भी। मुझे डांट उठा के तो चली गई, उठ जा नहा ले, और अने दोनों दोनों सो रहे। भाई तेरे 9 भी बज गए। चुप कर, 8 बज रही है। हाँ तो 8 बजने के लिए बोला था तुमने, 8 बजे उठ जाना भाई, हम तो नहा धो लिए। तो तुम तो जाओ ना। कहाँ जाए? मंदिर पूरी चल रही। क्यों? इसको आ रहा है एक नंबर का आलस। अभी मैं और भानु आए हैं झारखंड महादेव मंदिर, बड़े दिनों बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट 1 साल बाद। दोस्तों हम उठ गए मंदिर वगैरह भी जाए, फ्लैट जाकर देखते हैं कि वो लोग उठे होंगे या नहीं। वैसे अभी तो मुझे लगता है कि अब तो उठ गए होंगे, थोड़ी तो शर्म आ गई। बोले ये बेशरम लड़के चले गए, अब हम तो उठ जाना चाहिए। उनको भाई उम्मीद नहीं थी, दीदी को तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं उठ जाऊंगा आज 7 बजे, और मैं नहा लूंगा सुबह उठ के। ये उम्मीद तो उसको बिल्कुल ही नहीं थी। कल रात को क्या है, वो ज्यादा बोल दिए थे हमको कि तुम 2 बजे तक नहीं नहाते। हाँ, ज्यादा ही है। हमारी की देखते हैं मेरे दोस्तों कौन जगा है और कौन सो रहा है। भाई सही में दोनों सो रहे हैं, गेट बंद है, हमारी आंटी आ चुकी है। ओ भाई साहब, ये सही में सो रहे हैं शायद। शाबाश, इतनी देर में तुम में से एक ही नहीं नहा पाया अभी तक। अरे तो सर्द हो रही है ना। कुछ नहीं हो सकता तेरा, समझ गई तू? कुछ नहीं हो सकता तेरा। अरे आज तुम उठ गए, कल मैं उठ जाऊंगी। क्या? आज तुम उठ गए, कल मैं उठ जाऊंगी। कल हम नहीं उठेंगे। सॉरी तुम्हारी गलती। इधर 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 एक बार, इधर इधर कहाँ भाग के जा रही है? इसके पैरों के बाल ऐसे कांटे की तरह, दिखा दिखा तेरे पैरों के बाल। भाई ऐसे कैक्टस पे से कांटे नहीं लगे हुए थे, ऐसे निकले हुए बाहर इसके बाल। तेरे हैं तेरे। अबे जा यहाँ से। मैं एक चीज बताना भूल गया तेरे को, सुबह सुबह जाके 1 किलो अनार लेके आऊँ तेरे लिए। तेरे को अनार पसंद है ना, इसलिए। मुझे अनार पसंद है, मुझे अनार खाने की भी बहुत जरूरत है। पता है तुझे, आजकल जो मेरे से मिल रहा है ना, कोई ऐसा नया बहुत दिनों बाद मिल रहा है। पता है मैं क्या बोल रहा है? पीली हो गई। पीली हो गई हो आप, सफेद सी यहाँ से अजीब सी हो गई हो, कि मतलब होता ना कि खून की कमी। देख मैं हाथ देख के पता चल जाता है, खून की कमी। खून की कमी बहुत बुरी है। सबका खून पी जाती है पूरे ग्रुप में फिर भी। हाँ सही बात है। ये फिर जिसके हाथ में कैमरा उसके हाथ में पावर है, वो जो बोलेगा वो इंसान मान लेगा। ये बोला मेरे खून की कमी की, ये मेरा खून पी गया। अब तो आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। हाँ देखो खड़े बाल देखो उसके पैर के। अच्छा वैसे कॉर्ड्स अच्छे लग रहे होंगे आपको, स्विच फैशन पे जाके शॉप कर सकते हैं आप। यस, मैं तो ये पहन के घूमती रहती हूँ। चारी सो के थक गई, फिर नींद आ रही है इसको। तो कहाँ से नहीं, लाती कहाँ से जा रहे हैं? लाती कहाँ से थे? तालस। अरे अरे अपने डायलॉग मुझ पे मार रहा है। यार आज मेरे को पूरा मौका मिल रहा है, और मैं देख के समझ सकता हूँ तुम मुझे इतना क्यों सुनाते हो। क्या करूँ, ये लोग एडिटिंग कर रहे हैं, एडिटिंग के बाद हमें वीडियो शूट करनी है। मुझसे ये चीजें तो मत सीखे तू कम से कम। मैं कुछ से कुछ नहीं सीख रही। मैं जयपुर का मौसम देखो, बारिश आ रही है हल्की हल्की, और कैमरा गीला हो जाएगा। सुबह से ये मौसम हो रखा है यहाँ पर। वैसे वार्निंग भी आई थी कि ओले भी गिर सकते हैं, बारिश की तो आई थी, तो बारिश तो आ ही रही है। देखो बिजली कैसे चमक रही है यार। उधर की साइड तो बहुत तेज बारिश होती हुई दिख रही है, इधर ही आ रही है बारिश। हो गया। ये देखो घर में कितना अंधेरा हो रखा है इस वजह से, लाइट ही नहीं। साल का मौसम तो समझने के बाहर ही है पूरा का पूरा। कभी ओले गिर रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, और एकदम से धूप आ जाएगी। और अभी देखो थोड़ी देर बाद आएगी धूप बहुत तेज। चलते चलते बारिश आ रही है तो चलते, मौसम बहुत मस्त हो रहा है यार। खाने में क्या बन रहा है आज? क्या बना रहे हो? चावल। मेरी वाली चावल, मेरे बन रहे सोयाबीन राइस। और ये क्या बना रही हो? ये आलू की मिक्स पराठा। आलू पराठा और बस इतना सही? आम आ, कच्चा आम आ रहा है, अभी लौंजी बनेगा। अच्छा ठीक है, लौंजी क्या होता है गाइस? कैरी की लौंजी, कैरी की लौंजी, कैरी की सब्जी। अच्छा, और भाई क्या टेस्टी लगती थी बचपन में, खाता था। अब तो बंद कर दी मैंने, बचपन में 5-5-6-6 रोटी खा जाता था सिर्फ उससे। बहुत अच्छी लगी वो, खट्टी मीठी खट्टी मीठी खट्टी मीठी से लगा लगा के। मुझे नहीं पसंद। ठीक था, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। मेरी और इसकी तो एक भी पसंद नहीं मिलती।
ना दोनों शेयर करके खाते हैं। क्यों खा रहे दोनों शेयर करके? तू मेरे से शेयर करता है अपनी वो क्या फ्रूट्स? अच्छा नहीं करता यार, कितना सुंदर लग रहा है ना, प्यारा सा मौसम, साथ में फ्रूट्स बस, और अपना अकेलापन और कितना साथ में ब्यूटीफुल सी लड़की। कहाँ है अभी हम लोग कर रहे हैं स्विस टॉकीज का शूट, और अंकल का भी अभी कॉल आया है, वो बाइक से चले गए कहीं पर काम करने के लिए। मुआना मंडी के आसपास एक जगह है, वहाँ पर अब अटके हुए, बारिश आ रही है बहुत तेज, बिजली आ रही है, रुक रही है, आ रही है रुक रही है, लेकिन यहाँ तो कंटिन्यू आ रही है अपने सामने, तो वहाँ पर आ रही रुक रही हो तो पता नहीं, बेचारे अंकल फंस गए। क्या हो गया, क्या हो गया यार, सुन मेरी बात, सबसे हो जाएगा प्लीज। जब भी मेरे कोई शूट करना होता है ये ऐसे होता है, मेरे को लास्ट टाइम होटल वाला शूट कर रहा था तब भी ऐसे हुआ, आज मैंने सोचा था कि मैं एक कैंपेन शूट करूंगी फिर ही हो गया, बट कोई बात नहीं, स्टिल आई एम थैंकफुल टू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, फॉर बारिश आल्सो। क्या हो गया? मेरा पूरा तार ऊपर चला गया, पूरा तार गया, वापस निकल गया ये, पूरा तार आ गया ऊपर चला गया, ऊपर के नाक में चला गया, कहाँ चला गया? अरे बेवकूफ मसलों में चबाए और खाए आगे चबाए, देख दिखा वही लगा जान लगा था। अबे इडियट तो मैंने अनार खाया आधे सफेद निकले उसमें, और इसके लिए आंटी ने देखो कितना सही काटा, मुझे क्या बोलते हैं, अनार में लाया तेरे लिए था लेकिन खाऊंगा मैं, इसलिए जरा अनार निकला ऐसा, और मेरा जो रिटेनर हटा ना तेरे अनार की वजह से। और थोड़ी ही देर बाद ये दृश्य देखने को मिलता है, कराटे कराटे गाइस, बताओ मैंने कैसा दृश्य देखा, बताओ क्या भानु जग रहे हो? नहीं पागल, कराटे लेके सो रहा है बहुत तेज कराटे। मैं आई हूँ अभी भी अपने बाल धोकर, और सूरज अभी भी सो रहा है, और खाने में आज बने हैं दाल चावल, वैसे आज उसकी फेवरेट दाल नहीं बनी, आज मेरी फेवरेट बनी है, मुझे पीली दाल पसंद है, उसे काली दाल पसंद है, कह तो रही हूँ हर चीज में हम ऑपोजिट है, मैं जाती हूँ उसको उठाने, एक घंटा हो गया, एक घंटे से सो रहा है, एक घंटा हो गया सोते सोते, ज्यादा ही हो गया, उठ जा, क्या हो गया 7 बजे उठने वाले इंसान, क्या हो गया उठा भाई तुमने, अंकल आया, अंकल को बुला लिया, यशी ने वीडियो बनाएंगे और वो चलेगी, और उसके बाद हमें जा रहा है डेंटिस्ट के, आज शायद मेरे ये हट जाएंगे दोनों, यस ऊपर नीचे के, यस जब ये तो थोड़े तो फिर तेरे भी रहेगी वो बीमारी, तो फिर भी रहेगी ना, कौन सी तेरे तो अंदर की तरफ तार रहेगा ना, नहीं मेरे रहेगा लेकिन मेरे उसकी जितनी बीमारी नहीं हो सकती, उसके हर दूसरे दिन तार हिल जाते हैं, हर दूसरे दिन ये हिल जाता है, तेरे नहीं लेंगे मेरे नील में दिमाग का पेच लगा चलो तो फिर यार ये भी ऐसी बीमारी पाल ली दांतों की, यार मैंने मना किया था पर मत करवा यार, आपके बनवा देता हूं भाई, अरे ना भाई साहब मेरे को तो माफ करो, मेरे को नहीं बनवाना, अंकल के पूरे टेढ़े दांत हैं, मेरे को सारे टेढ़े, अरे मेरे एक अंदर और है, हाँ अंदर है इनके दांत, बाहर इधर उधर इधर उधर सब है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इम्पोर्टेंट बात करनी है अंकल से, आपको पता है आज कितने बजे उठा था मैं? कितने बजे उठा था? 7 बजे उठ के नहा धो लिया था, 7 बजे ठीक है, और वो जो आपके बगल में ये सेमड़ी बैठी ना ये 11 बजे तक उठ के आई है दोनों की दोनों, 11 बजे तो मैं नहा ली, 10 बजे तो मैं नहा ली थी, हाँ नहा ली थी, एक घंटा जो नहाने में लगता है, अरे अंकल 3-3 बार जगाया मैं और भानु, जब उठे तब जगाए हम, नहा धो लिए तब जगाए हम लोग, घूम फिर के आ गए मंदिर जाया है, बता सुबह उठ के मंदिर तक का बोला कि मंदिर जा रहे हैं लेकिन इनकी नींद ही पूरी नहीं, हम लोग मंदिर भी जाए तो भी सोए पड़े मिले हमें, तो ये लोग 100 दिन में अगर 1 दिन जल्दी उठ गए तो कोई बड़ा बात नहीं, एक ही देखो हमारा दोस्त ये दिन में भी सोए, रात को भी सोए, सुबह भी सोए, अभी भी सोए, नींद पूरी नहीं होती, हाँ भगवान जाने क्या करता है, सुबह आज 10 बजे उठ गया था फिक्स, आप सबको पता है कि अनार खाने की वजह से मेरा ऊपर का रिटेनर हट गया, पता नहीं यार कैसे हट गया, और वैसे ना आज मेरी अपॉइंटमेंट तो थी तो ये साथ में जबरदस्ती चल रही है क्योंकि वो हो गया बस इसलिए, यार हो गया तो यार अब क्या करें, और मेरे डॉक्टर ने लास्ट टाइम बोला था ना कि हट जाएंगे आज ब्रेसेस, या मोस्टली हट ही जाने चाहिए, हो गए मुझे जो चाहिए थे वो मिल गए बस, सही है एकदम सब सही है, पता मुझे फोन करके क्या बोलती, ओए चल मेरे नाम का टैटू करा दे, डॉक्टर के जाए मैंने बोला कि आज हट रहे हैं क्या मेरे ब्रेसेस, तो डॉक्टर बोलते हैं कि जिस डेट को बुलाया था उस डेट को आ जाते तो आज हट जाते, हाँ तो अपनी गलती है ना कि अपन डिले करते हैं, एक्चुअली रेटिनर्स लगे मेरे नीचे, अब वो लगने के बाद हट जाते हैं, तो अब एक बार मेरे को एक्सरे भी कराना है इस टूथ के लिए, ये लग जाएगा और ये ब्रेसेस हट जाएंगे, तो ये दोनों काम एक साथ होने वाले हैं, तो एक्सरे भी मुझे कराने के लिए 25 दिन पहले बोला था, और इसको मैंने कई बार बोल दिया एक्सरे कराया लेकिन
यार भूल जाता हूँ मैं बार बार यार। अभी तो चलते हैं फ्लैट। तू आलसी आदमी है। फ्लैट चलते हैं, मुझे ब्रांड के नए आउटफिट्स का शूट करना है, नई शर्ट्स आ रहे हैं, वो आ जाएंगे तो बता दो, देख लेना आप। हमारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, अहमदाबाद से आए हैं, बता रे हाइट ना अपने एक बार। अम्मी कुड़ी छोटी है। बताओ अभी रोने लग गए थे, बताओ ये पट्टी उतार के देखो दे दू पहले ही। अरे सीधा कहाँ से है, मुझे ये समझाओ पहले। बस आगे से जो लगाना तो पीछे जाओगे, बात सुनो इसकी। यार ये तो भाई तू पहले जा रहा है यार। अरे देश भी ऐसे करना है। अरे जा मिकुड़ी को आता है। अरे मिकुड़ी को आता है। पहले मैं अंदर थोड़ा सा सहारा लेने चौकी। सहारा नहीं, किसका ले रही है? अभी गिरा देती। ये देख, इजी है। पकड़ 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 रहा है, काय करे छ। इसको पकड़ो, आप इसका तो पकड़ो मत। चलो उतर जाओ, उतर जाओ। अरे वो हमारी पौधा गिर गया था यार, ये जरूर पौधा जरूरी है। उतर जा, उतर जा, तो अब कूद जा गाइस। मैंने आप कूद जा। अब मैं भी करना चाहूंगा बहुत। अरे यार भाई मुझे सिखाना। खड़े हो ना, इधर खड़े हो ना, बता रहा हूं ना। अरे बेइज्जती कर दे, क्यों बता रहा है? ओए तू गिर पड़ मत जाइयो, तेरे नाप की तो पट्टी भी नहीं आती मार्केट में। खड़ा हो तो इस पे, आराम से खड़ा हो, दोनों पैर एक साथ। दोनों पैर एक साथ रख, दोनों पैर एक साथ रख। बैलेंस कर, बैलेंस कर। थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है ना, वो जाता है। देख हट, देख पीछे जा रहा है। अरे तो पीछे मत दबाओ, एकदम चिपके खड़ा होना पड़ेगा इस पे। ओए तू आ रहा है, तू भी आ रहा है। अरे चल चल जा यार, मेरे को बहुत अच्छे से आता है। पागल की तरह लग जाएगी। अरे रे रुक जाना एक सेकंड, चैंपियन द रूम है। बोल कोकरी में ना अपना माथा घुसा दिया होगा। हेलो, अब ओके गाइस, इट वाज सो इजी। इसमें चढ़ने से ज्यादा ना उतरना मुश्किल है। उतर तो दीवार के पास जाऊंगा। और इसको सही बात है, देख अभी दर्द हो रहा है तेरे पैर में, तो झूठ बोल रहे। जेन्युइन है, जेन्युइन। चल चल चल, अब देख देखिए इसे। हाँ तो ये इक्वल है, इक्वल पैर रख एक साथ, पूरा क्लिक करते हैं आगे पीछे, पूरा का पूरा पैर। अब देख देखिए, हमने जब से बताया कि हम उड़ीसा आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं और सबने डिटेल भेज दी है कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना है। जगह मुझे रट चुकी है अब कि कहाँ जाना है हमारे को। yes. अब बस मुझे एक हेल्प और चाहिए यार। मैं हम क्या वहाँ पर किसी लोकल को नहीं जानते हैं, तो हम पता नहीं कर सकते अपन लोग मीटअप करें तो किस लोकेशन पे बेस्ट रहेगी, ताकि किसी को डिस्टर्बेंस भी ना हो। बिल्कुल। और अपन आराम से अपन लोग मिल भी सकें। तो जो जो लोकेशन आपने घूमने के लिए हमें बताई थी, अब कहाँ हम मीटअप कर सकते हैं वो जगह भी कॉमेंट करके बता दो कि ये जगह सही रहेगी मीटअप के लिए, यहाँ अपन आराम से मिल लेंगे। कॉमेंट कर देना, बाकी हम आ रहे हैं। डेटोग्राम बता दूंगा, मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि मेरे को ये ऑपरेट कराना पड़ेगा, मेरा दांत लग गया ना, बोखला होऊंगा, इससे बड़े पूरी स्माइल वाला होगा। ये देखो दांत नहीं मेरे। क्या पता मैं सही करवा लूं तो पूरी दांत के साथ आज एक्सरे कराना था। कराना तो तेरी दिक्कत है, डॉक्टर ने आज बोला था, बोले जाते थे एक्सरे कराना ताकि मुझे अपडेट मिल जाए। और सबसे क्या रिक्वेस्ट करा है, जनकपुरी टेम्पल का प्रसाद जरूर, महाप्रसाद 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 वो तो खाएंगे। मेरे पर फीड में भी उड़ीसा की रील्स आने लगी। हाँ लोगों ने भेजी ना। हाँ मेरे पास भी आ रही है, मेरे पास भी। लोगों ने तो खाने पीने की जगह भी बता दी। तो ठीक है, हम आ रहे हैं गाइस। और अभी यशी कर रही है शूट, मैं तो खा पी के क्या, मुझे जल्दी उठना है। ये तो क्या 4 बजे तक सोएंगे आराम से, इनका तो कोई टेंशन है नहीं। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।